नमस्कार, आज योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत। तो आज तो चर्चा योग पर ही रहेगी और मेरे साथ है गवर्नमेंट योगिक सेंटर की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कल्पना वर्मा एवं पतंजलि के योग शिक्षक श्री रवि कामरा जी। आप दोनों का स्वागत जी, और योग दिवस की बहुत बहुत बधाई आपको। सर, आज तो सब लोग जी सुबह सुबह उठ के योगा करने के लिए चल दिए है ना। जिन लोगों ने बहुत दिन से सुबह का सूरज नहीं देखा था वो भी, जिन्होंने केवल पिछले साल 21 जून को करा था और आज फिर जागे हैं वो भी, लेकिन बहुत जागरूकता बढ़ी हुई है और योग के प्रति एक बहुत हमने पॉजिटिविटी भी देखी और उसके साथ साथ कॉन्ट्रोवर्सी भी देखी है। लेकिन मेरी चर्चा जी आज आप लोगों से कॉन्ट्रोवर्सी पे नहीं रहेगी, एक प्रश्न जरूर पूछूंगी। हमारी चर्चा रहेगी कि भाई योग कब कौन कैसे क्यों, इनके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जी मेरा प्रश्न रवि कामरा जी आपसे है, क्योंकि आप पिछले इतने सालों से हर सुबह बिल्कुल बिना कभी नागा किए योग की क्लास लेने लग रहे हैं, तो क्या योगा केवल सुबह ही कर सकते हैं जी? अनिता जी, मेरा ऐसा मानना है कि योग करना चाहिए। अगर आपको सुबह का समय मिलता है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर सुबह कोई किसी को लेट उठने की आदत है तो थोड़ा लेट कर ले। सुबह नहीं भी कर सकते तो जो शाम को करते हैं, बस थोड़ा सा खाने का हिसाब रख के खाने के 5 घंटे बाद योग कर लेना चाहिए, तो शाम को आराम से किया जा सकता है। और स्वामी जी महाराज तो कहते हैं भी अगर आप सोते हुए भी कर लेते हो तो भी आपको करना चाहिए, मतलब एक तरीके से जैसे एक्सरसाइज तो होगा। कल्पना जी आप क्या कहती हैं? बिल्कुल है, योग तो करे योग रहे निरोग, यानी जो व्यक्ति योग करेगा वो निश्चित निरोग रहेगा। तो उसको समय निकालना है, ऑफिस में भी बैठे बैठे आजकल तो चेयर एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज, जो सर्वाइकल, ये मेरे क्वेश्चन में नोटेड है जी, आपसे ये मैं पूछूंगी ये इसके ऊपर, क्योंकि ये आज तो हम लोग सब इस चीज से ग्रसित हैं। तो मतलब एक बात तो ये निकल कर आई कि योग सुबह करने से सबसे ज्यादा फायदा जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अगर जगह समय शाम को मिलता है तो योग करें अवश्य। बिल्कुल सही, जो मैंने कहा था कि भी एक जो आज के दिन कई बार ये बात उठकर आई है, जब से खास करके जो आजकल हमारी सरकार है इसने योग को आगे बढ़ावा देना शुरू किया, क्या योग को हिंदू धर्म से जोड़ना जायज है? कल्पना जी आप बताएं। ऐसे किसी धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो स्वास्थ्य के लिए है ना। हमारा मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास होगा तो हर व्यक्ति चाहेगा कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, तो इसमें धर्म क्या करेगा? तो धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म से इसका जोड़ना कर आप करना। रवि जी आपका इसके बारे में क्या मानना है? देखिए, जैसे वो कहते हैं खून हिंदू का गिरे या मुस्लिम का, खून तो इंसान का खून ही है, तो इसी तरह इंसान का जिस्म जो है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, वही है और उसका बैटरी वही है कि योग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सर, एक खास करके कुछ एक जो युवा हैं उनमें ये मनसा है कि योग एक्सरसाइज नहीं है, कि भैया जब तक सड़क पर नहीं भागे, जब तक जिम नहीं गए, पसीना पसीना नहीं हुए, तब तक एक्सरसाइज नहीं हुई। तो जिनकी ये सोच है उनको आप योग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, योग के जैसे पतंजलि ने उसके 8 सूत्र बताए, तो उसमें आसन और प्राणायाम की जो बात है, उसके अलावा जो हम, जैसे आपने युवाओं की बात की, तो उनको अपना शरीर हष्ट पुष्ट दिखना भी चाहिए। हष्ट पुष्ट शरीर दिखने के साथ साथ उस शरीर के अंदर प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, जो एक अंदर का, जैसे को हम कंप्यूटर की भाषा में सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर भी ठीक होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी ठीक होना चाहिए। इसलिए मैं तो युवाओं को ये खास तौर पे कहता हूँ कि आप कितना ही जिम जाएं, कितनी स्विमिंग करें, कितना ही आप गेम्स खेलें, लेकिन प्राणायाम जरूर करें, उससे आपका अंदर का सिस्टम सही हो जाएगा। प्राणायाम से जो अपन लोग बात करते हैं कि भाई वही मेनली तो जो ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाती है, आपके पूरे सेल्स को एक्टिव कर देती है, तो जो भी वो बच्चे आगे भी कर रहे हैं उस चीज से भी बेनिफिट होते हैं। आप बच्चों को कितना रुझान देखते हैं जी? आपका योगिक सेंटर आप है अपना सरकारी, कितना रुझान देखते हैं? है, बच्चों में भी है और हमारे वहाँ तो सामने यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी से बहुत से स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट्स होते हैं, वो अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 आ जाते हैं। अच्छा रुझान है, बच्चों में भी बहुत अच्छा रुझान है, बच्चे आ रहे हैं, कर भी रहे हैं और बेनिफिट तो मिल रही है, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो ही रही है, तो उनको करना चाहिए।
जैसे आपने कहा कि भी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे तक, लेकिन हमने ये सुना था कि भाई 12 या 13 साल की आयु से पहले योग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल सही। कहां तक सकते हैं? बिल्कुल सही है, एज लिमिट दी हुई है शास्त्रों में, लिखा है एट द एज ऑफ 8, यानी 8 ईयर्स के बाद में 80 ईयर्स 90 ईयर्स तक फिर वो व्यक्ति कर सकता है। रवि सर आपका क्या कहना है? देखिए जो इन्होंने एज बताई 8 साल से, तो 8 साल का बच्चा तो आजकल बहुत जवान देखने लग जाता है, तो मैं तो समझता हूँ कि उसको प्राणायाम और एक्सरसाइज तो करता ही है बच्चा, छोटे भी साइकिलिंग करते हैं तो बच्चों को एक्सरसाइज में जुड़ना तो चाहिए, माँ बाप के साथ उनको जुड़ जाना चाहिए प्राणायाम और योग में। देखिए योग को लेके काफी सारी भ्रांतियां भी रहती हैं, आज हम लोग सभी उन आम प्रश्नों को हम लोग टैकल करने की कोशिश करेंगे। मेरा इस कार्यक्रम से सिर्फ एक प्रयास है जी, जो आज बहुत सारे लोग बैठे, जो लोग केवल एक दिन योग करके थोड़ा सा अच्छा भी लगा और नहीं करते, या बहुत सारे जो आज नहीं कर पाए योग और अभी तक इस एक जीवन शैली से नहीं जुड़े हैं, आइए इस खास मुलाकात के जरिए हम उनको जोड़ लेते हैं। सबसे पहला जी मेरा प्रश्न है कि जी कभी योग नहीं करा, ठीक है, 40 है, 45 है, 35 है, नहीं योग करा आज तक, एकदम जी खड़े हों और पता चले जी अपने, आजकल तो ऐप भी है जी योग की, है ना, ऐप से देख लिया, वीडियो पे देख लिया और शुरू कर ले या कुछ और करें। रवि सर आप बताइए। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एकदम से भी शुरू कर देंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, एक उस एक एटीट्यूड में आने की जरूरत है कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है। ऐसा मैं उस भ्रांति को बिल्कुल नहीं मानता कि ये कहा जाए कि इससे ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा नुकसान मतलब एक आम प्राणायाम तो हर कोई कभी भी बैठ के कभी भी कर सकता है। अब जो सूक्ष्म व्यायाम जैसे इन्होंने कहा भी गर्दन हिलाने का, हाथ हिलाने का, पांव हिलाने का, सवाल इस बात का है जी कि शरीर को, शरीर जो भगवान ने ये बना के दिया है उसकी जो एक ही बैटरी है और वो है 1 घंटा रोज का व्यायाम करना। बिल्कुल, अगर वो करते रहते हैं तो शरीर की सारी क्रियाएं सही चलती रहती हैं। अगर मान लो किसी ने जैसे आपने कहा कि अचानक बैठे बैठे भी शुरू कर लिया, कभी पहले नहीं किया और कर लिया, उसको को लगेगा कि मैं थक गया तो थोड़ा सा धीरे हो जाएगा ये अपने आप। आई डोंट थिंक, जैसे कहते हैं कि सैर करनी है तो जूते पहनो और चलना शुरू कर दो, धीरे धीरे आ जाएगा, एक स्टेप। लेकिन डॉक्टर कल्पना क्या आप ये मानती हैं कि भाई एक बारी अगर आपने कभी नहीं करा हो और अगर आपको डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर की एडवाइस लेनी जरूरी है या भाई हल्का फुल्का कर ही ले शुरू? नहीं, बिल्कुल आवश्यक है, चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही कौन से वैधि में कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम किस गति से करना है, कितनी देर करना है, ये तो आपको परामर्श लेना ही चाहिए। और बात रही सूक्ष्म व्यायाम की, तो सूक्ष्म व्यायाम तो आप शुरू कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम क्या है? जैसे गर्दन के शिथिलीकरण के व्यायाम है, ये आप कर ले। और कुछ आसन होते हैं जो जैसे रक्तचाप में है, कौन सा बंध नहीं लगाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रक्तचाप का है तो उसे उड्डयन बंध या आप जालंधर बंध लगाते हैं, तो कौन सा बंध कितनी देर तक होल्ड करना है या नहीं। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि मैं तो ये समझी कि केवल डॉक्टर का ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो जी ये सारी बातें नहीं समझेगा जो आप कह रहे हैं कि कौन सा लगाना है, तो इसके साथ साथ एक योग गुरु और योग शिक्षक के भी साथ करें अगर आपकी एक सर्टन एज है और अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है। क्या कहते हैं रवि जी, अगर हार्ट पेशेंट है या कुछ है तो योग गुरु की के साथ ही शुरू करें तो बेहतर होगा? हाँ, योग गुरु के साथ करना तो बहुत अच्छी बात है ही, क्योंकि वहाँ जो एक रिदम बनता है उसको उससे, वैसे तो देखिए जी आप उसका शरीर बता देता है कि अगर हार्ट पेशेंट है, अगर उसने थोड़ा सा भी कुछ जल्दबाजी में कर लिया या फास्ट कर लिया तो उसका अपना शरीर बता देता है कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं आ रहा। सर असल में क्या होता है ना जी, जिन्होंने कभी योग नहीं किया हुआ तो उनको शरीर की सुनने की आदत नहीं होती। हाँ नहीं, सुनने की आदत भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो योग कक्षा में या योग आजकल तो सर अपने यहाँ तो सर अगर अपन लोग देखे तो राजस्थान की पूरे की बात करूंगी तो मेरे ख्याल से हर छोटे बड़े पार्क में कहीं ना कहीं बिल्कुल निशुल्क योग शिविर लगी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल निशुल्क और संपूर्ण वर्ष चलते हैं, ऐसा नहीं है कि योग दिवस पर। तो अगर नहीं समझ में आए तो योग गुरु की मदद लें, जाके मिलें। हाँ बिल्कुल, क्लास और थोड़ा सा देखरेख में करना शुरू करें तो बेहतर है। बेहतर है, बेहतर है। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि भाई जैसे कई बार होता है कि अब हम लोग योग गुरु को देखते हैं करे हुए, अब जब अपन स्वामी रामदेव की बात करते हैं, अब स्वामी जी को अगर जब हम लोग आसन करते हुए देखते हैं तो स्वामी जी तो मतलब पांव भी ऐसे बिल्कुल आसानी से लेते हैं और यहाँ पर सर के ऊपर रख लेते हैं, है ना, तो फिर इंसान सोचता है ये तो ना बस की बात नहीं है तो रहने देते। जो लोग मोटापे की तरफ हैं सर,
जो लोगों को इनफ्लेक्सिबिलिटी है या जोड़ों में दर्द है, और योग गुरु जी कहते हैं कि अब वो सूर्य नमस्कार कीजिए, नीचे झुक के अपने पांव से, बोलो कौन से पांव भाई, दिख तो रहे नहीं, छूंगा कहां से, ऐसे लोग सर किस तरीके से योग शुरू करें, जितना हो सके उतना करें, कितना पुश करें, आप बताइए, आपके पास तो हर तरह के लोग आते होंगे। आपने स्वामी रामदेव जी की बात करी, मैं ये समझता हूँ कि स्वामी रामदेव जी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा योग में यही है कि उन्होंने योग का सरलीकरण किया है। उन्होंने कोई भी सख्त आसन करने के लिए उन्होंने बताया ही नहीं कि उन्होंने जो पैकेज दिए हैं योग करने के लिए, उन आसन में कोई भी ऐसा आसन नहीं जो आम व्यक्ति ना कर सके। और वो बार बार हमें भी ये बताते हैं कि आप भी जब योग सिखाते हैं तो ये बताइए कि अपने शरीर का अतिक्रमण नहीं करना, और जो चीज आप नहीं कर पाते, मैं ऐसा मानता हूं कि योग का मतलब ये है कि बच्चे को, जैसे हम बच्चे को मना के कोई चीज करवाते हैं तो आप योग उस तरह से करिए, बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को मारना नहीं है, पनिश नहीं करना, बॉडी को, शरीर को एक बच्चे की तरह, शरीर को बच्चे की तरह से मान के उसको अभ्यास करवाइए, हो जाएगा। तो मैडम आप क्या कहते हैं भाई, जब जैसे आपके पास आते हैं कई बार और जिनसे नहीं हो रहा है, और देखो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होती, खास करके जब साथ वाला, तो ये तो सर वो पेपर वाली बात होगी कि एक बच्चा तो लिखे जा रहा है, मैं घंटे पहले फ्री होके के बैठ गई, भाई ये क्या लिख रहा है इतना, तो किस तरीके से आप उनको, क्योंकि फील तो होता है। हाँ, नहीं, जैसे अभी मोटापे का पेशेंट है और उसे नहीं करते आ रहा है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो धीरे धीरे पहले सूक्ष्म व्यायाम करें जिससे अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बना ले, और फिर योग में तो हम पहले दिशा निर्देश देते हैं कि देयर इज नो कॉम्पिटिशन, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एक दूसरा अपने से अच्छा कर रहा है तो उसको सिर्फ देख के आप मोटिवेट होए और आप भी उसको करें, पर अपने शरीर के अनुसार ही करें। ठीक है, एक चीज मैं समझी जी आप दोनों की बात से, कि जैसे बाकी हम लोग रेसेस वॉक और इसकी बात करते हैं तो वो दूसरे के साथ एक कॉम्पिटिशन है, लेकिन योग अपने अंदर है। बिल्कुल, दिस इज समथिंग विच इज इंट्रोवर्ट, दिस इज विद इन। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बात बताऊं, मदर टेरेसा कहा करती थी कि लव अंटिल इट हर्ट्स, कि आप जब किसी चीज में जुड़ते हैं, आप मंदिर में जाते हैं तो 10 पैसा चढ़ाने वाले का भी उतना ही धर्म है या उसको उतना ही पुण्य मिलता है जितना लाख चढ़ाने वाले का, क्योंकि उसकी लाख की कैपेसिटी है, उसकी 10 पैसे की कैपेसिटी है, पुण्य दोनों को बराबर मिलता है। सही, तो इसी तरह से योग में पुण्य सबको मिलता है, बस आपको करने की एक इच्छा चाहिए कि आपने करना शुरू कर दिया तो होने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कल्पना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि मेरी कई बहनों को ये भ्रांतियां रहती है कि भाई अगर आप जैसे प्रेग्नेंट है या आपकी मेंस्ट्रुएशन का टाइम है तो उसमें योग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो पहले तो आप मेंस्ट्रुएशन के लिए बनाइए। बिल्कुल, मासिक धर्म के दौरान सिर्फ पेट संबंधी जो पेडु भाग है उससे संबंधित जो प्राणायाम होते हैं, जैसे कपाल भाती है, बाह्य प्राणायाम, ये उन्हें नहीं करना है। और हमें आध्यात्मिक भी विकास होता है तो साथ में जैसे शुरू के 4 दिन मासिक धर्म के दौरान कुछ आसन नहीं करने हैं, और जैसे सूर्य नमस्कार है उसे भी नहीं करना है, और बाकी आप सूक्ष्म व्यायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम बिल्कुल कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी में, बिल्कुल प्रेगनेंसी में तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी पहले 3 महीने, दूसरे और तीसरे, ये तीनों महीनों में अलग अलग है, शुरू के पहले 3 पूरे 9 अच्छा, महीने पूरे अलग अलग आसन है जो करने हैं। तो अगर प्रेग्नेंट है, और मैंने ये भी सुना है कि प्रेगनेंसी के दौरान इस तरीके से नियमित योगा करने से नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। बिल्कुल 100% सही है ये आपकी बात कि योगासन करने के बाद गर्भवती महिला पर इतना अच्छा, बच्चे पर भी इतना अच्छा असर होता है कि बच्चे में जो संस्कार आएंगे वो तो आएंगे ही, और जो मदर की डिलीवरी होगी वो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, जैसे भी हम इससे पहले बात कर रहे थे अपने पहले वाले सेशन में कि भाई बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग बैठे बैठे अपने दफ्तर में या अपनी रसोई में खड़े खड़े भी कर सकते हैं, और आज के दिन ये मोबाइल कंप्यूटर और इसके जमाने में हर कोई है जिसको या तो बैकएक की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है, किस तरीके के हम लोग छोटे छोटे आसन अपने जगह पर बैठे बैठे कर सकते हैं और उसका कितना बेनिफिट मिलता है, ये हम आपसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कैसे कब कहां इकरार हो गया
ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज चैनल दी राजस्थान न्यूज, दी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये कुछ शायद हमारे जमाने की बीमारी है कि हम में से आजकल हर कोई कहीं ना कहीं बैक और गर्दन के दर्द से ग्रसित है, और आप देखेंगे कि सैर करते हुए भी या कहीं भी दफ्तर में बैठे हुए अगला बंदा हर थोड़ी देर में अपनी ऐसे करके गर्दन घुमा रहा होता है। तो आइए जानते हैं रवि कामरा जी से और कल्पना वर्मा जी से कि क्या ये आसन ही है, वाकई बेनिफिशियल है, कभी भी कर सकते हैं या इसको भी जरा हम लोग सीखे। तो सर, क्योंकि कई लोग तो क्या होते हैं ऐसे ऐसे करके यू यू करके गर्दन खिला रहे होते, तो अगला इंसान सोचता है भाई तू ठीक तो है ना, तो इसको भी क्या कुछ सीखने की जरूरत है, कोई टाइम होता है करने का, कुछ समय के लिए होते हैं, या मतलब जैसे कि अगर आप यूं गर्दन हिला रहे हैं तो ये आसन है। जैसे कल्पना जी ने कहा सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम का मतलब है शरीर को, शरीर के जिस अंग का भी आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं उसको मूवमेंट देना। अब गर्दन हिला रहे हैं और गर्दन को जैसे हम बताते हैं गर्दन को झटका नहीं देना, अगर धीरे धीरे घुमा रहे हैं तो मतलब उसमें कोई सीखने या समझाने की जरूरत नहीं है। और छोटे जो सूक्ष्म व्यायाम है वो जिंदगी में क्या है कि इम्बाइब कर लेने चाहिए। अब जैसे लेटना है तो अगर मकर आसन जिसको हम यूं करके उल्टा लेट जाते हैं तो उस तरह से लेट जाने में कमर को पूरा लाभ भी मिल रहा है और कोई एक्सरसाइज भी नहीं है, ऐसा कोई जोर भी नहीं लग रहा। वज्रासन में बैठ जाने से खाना जल्दी हजम हो रहा है तो, और उसमें कुछ लग भी नहीं रहा, आप टीवी देख रहे हैं, मकरासन में लेट के देख लीजिए, वज्रासन में बैठ के देख लीजिए। जिंदगी में क्या है, योग को अपनाना, बस उसकी जो चीजें हैं ना वो आपकी जिंदगी, आपका जीवन वास्तव में योगमय हो जाए, बस इतनी सी। ये आपने बहुत अच्छी बात की, मैं इसके ऊपर वापस आऊंगी सर। पहले यही वाला प्रश्न जो पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो लोग आपके पास अपने योगिक सेंटर में सर्वाइकल पेन या बैक के लिए आते हैं, क्या उनको केवल सुबह की एक्सरसाइजेस बताते हैं या जैसे रवि सर कह रहे हैं कि भाई आप अपने दफ्तर में कर लीजिए, आप अपने घर में कर लीजिए, आप रसोई में खड़े होकर कर लीजिए, तो किस तरीके से इतना बताते हैं और कितने लोग इस चीज को फॉलो कर पाते हैं? देखो, जिनको दर्द होगा वो तो फॉलो करेगा ही। पर कई बार ये कहते हैं ना कि दर्द में नहीं करना चाहिए, ये भी एक नहीं, जब हम नहीं करते हैं तो दर्द बढ़ते जाता है और अच्छा। नहीं करेंगे तो दर्द बढ़ेगा, और दर्द रहता है तो बहुत से लोग नहीं करते हैं। हाँ, ये एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है, वाइस वर्सा है। तो ऐसे नहीं कि मुझे दर्द है इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए, मैं धीरे धीरे करूंगी तो मेरा दर्द निश्चित कम होगा। और ऐसे है कि आपने जैसे पूछा कि ये आप कभी भी कर सकते हैं क्या, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, गर्दन की एक्सरसाइज है, फ्रोजन शोल्डर है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, तो ये सर्वाइकल की तो एक्सरसाइज आप ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं। ऑल दीज एक्सरसाइज चेयर एक्सरसाइज है, आप चेयर में बैठे बैठे गर्दन को और श्वासों के साथ करेंगे तो उसका बेनिफिट और अच्छा मिल जाता है। ऐसे कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, जब हम ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे तो एक हमारे एक उसके साथ साथ सूक्ष्म क्रियाओं के साथ प्राणायाम का भी अभ्यास हो जाता है। अच्छा, इसलिए तो श्वासों के साथ करें इसे। तो सर, एक चीज तो मैं समझ रही हूँ जी, वैसे तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई योगा हम लोग टेलीविजन में या कहीं भी देख के सीख लें, लेकिन अभी हमने जो पूरे एपिसोड में जितनी भी अभी तक बात करी है तो मैं समझ रही हूँ कि एक योग गुरु के नीचे अगर हम लोग इनिशियली चाहे थोड़ा कर लें लेकिन बाद में जाके सीखें तो पूरा ये ब्रीद इन ब्रीद आउट किस तरीके से सही से करना है उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, क्या कहते हैं हम दोनों? बिल्कुल जरूरी इसलिए है कि टीवी के सामने अगर देख के कर रहे हैं तो अगर आप गलत कर रहे हैं तो टीवी तो आपको बताने से रहा। हाँ, तो योग गुरु का, योग शिक्षक का या किसी की भी क्लास में जाने का ये बेनिफिट तो मिलेगा ही। कई बार क्या होता है कि जैसे एक बार कुछ लिखा स्पेलिंग गलत हो गई, उसको 20 बार चेक कर लो वैसे ही लिखे जाएंगे। हाँ, तो आप क्या, अगर करते समय कोई गलती रह रही तो आप अपने आप को नहीं सुधार सकते, टीवी नहीं सुधार सकता, तो आपको किसी योग शिक्षक की, किसी योग कक्षा की जरूरत है। हाँ, तो मतलब एक बार अगर उसमें शौक आ गया है, थोड़ा सा शुरू कर लिया है, तो जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं एक बार योग शिक्षक के पास चले जाए और एक बार सीख लिया समझ लिया तो फिर अपने घर पे जब मर्जी है ना। अच्छा, घर पे करते रहने से जो एक प्रश्न याद आया, ये जब मैंने इसके बारे में बोला तो मेरे एक दर्शक जी ने हमें ये प्रश्न भेजा कि जी उनके उनकी बीवी की बहस चलने लग रही है, तो वो कहते हैं कि भाई योग बाहर होना चाहिए और उनकी पत्नी कह रही है कि नहीं योग घर के अंदर भी करने से उतना ही बेनिफिट होता है। तो जी पहले तो आप हमें ये बताइए कि
बाहर करें कि घर के अंदर करें? कल्पना जी पहले आप बताओ। बिल्कुल, योग का पहले सबसे जब हम दिशा निर्देश देते हैं तो योग का वातावरण स्वच्छ, सुंदर, प्रसन्न होना चाहिए, हर हवादार होना चाहिए। तो हवा तो हमें बाहर ऑक्सीजन गार्डन में ही मिलेगी, तो हम अपने घर के छत पे भी कर सकते हैं, पर बाहर जहाँ ऑक्सीजन की प्रबल मात्रा हो, प्रबलता से हो। मैम आज के दिन लोग इतने इतने फ्लैट्स में रहते हैं, छोटी छोटी बैल्कनी है, बैल्कनी में योग करें तो पता चले 5 लोग और देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ये कई बार मुश्किल हो जाता है जी। पार्क वगैरह में जाके कई लोग कॉन्शियस भी फील करते हैं, पर चलिए आपकी बात सही है कि भी प्रेफरेबली बाहर करना चाहिए। रवि जी आप क्या कहते हैं, बाहर करें घर के अंदर करें? देखिए करना तो बाहर ही चाहिए। अच्छा। घर में अंदर वो चीज, वो माहौल मिल नहीं पाता, क्योंकि लोग फिर घर में रहने के बाद क्या है कि पंखा चला लूं, पंखे के बाद फिर एसी चला लूं, तो वो लिमिट नहीं रहती घर में। बैठ के करूं, थोड़ा सा पीछे लगा लूं तकिया, तो क्या हर्ज है, तो फिर लिमिट्स नहीं रहती। लेकिन अगर आप बाहर करते हैं योग कक्षा में, जैसे आपने कहा बाहर कॉन्शियस रहता है, कॉन्शियस होना ही तो जरूरी है। अगर थोड़ा बहुत भी, अभी मैं पिछले दिनों में वो पढ़ रहा था, कहता अगर आप पतले दिखना चाहते हैं तो मोटे लोगों में रहिए तो आप पतले दिखोगे। मैं ये कहता हूं कि अगर आप थोड़ा बहुत भी योग से जुड़ना चाहते हैं, थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो पार्क में जाइए, किसी खुली जगह पे जाइए, ताकि आपको भी, आपका मन करेगा कि उसका शरीर मुड़ रहा है तो मेरा भी मुड़ रहा है, मैं क्यों नहीं मुड़ सकता। तो ये जो एक फीलिंग आएगी ये आपको और ज्यादा आगे लेके मोटिवेट करेगी, मोटिवेट। चलते चलते मैं वापस अभी जो आपने कहा था उस बात पे जाना चाहूंगी। आपने ये कहा कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। योग का मतलब ये नहीं है कि सुबह एक बार 5:30 बजे उठ के योग कर लिया और उसके बाद बस भाई अपने फ्राम काम। लेकिन मैं फिर से आपसे ये पूछना चाहूंगी कि खाली पेट, कितना खाली पेट जी योग, मतलब भाई दोपहर का लंच करके शाम को 5 बजे कर लें? बिल्कुल। टाइम कितने बजे आप, कितना कितना मतलब कितना टाइम फ्रेम छोड़ें जी? खाने के 5 घंटे बाद, 5 घंटे के बाद। तो वैसे तो सुबह ही करने में फायदा, सुबह ही करने में फायदा, क्योंकि बाद में फिर वो रहती नहीं है। शाम को 5 घंटे, लंच में तो 5 घंटे हो गए, लेकिन चाय के साथ जो बिस्किट खाया तो उसके बाद कपाल भाती करने लग जाओ तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो अगर आप सुबह सुबह कर लेते हैं तो आपको ना तो आपके समय की कोई प्रॉब्लम है, अपना ही समय ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते, सो ही तो लेते, सो लिया इतनी उम्र दो तो अब क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। हाँ, यंग बच्चे जिनके लेट नाइट बिजनेस की वजह से है, जिनको लेट नाइट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा लेट कर लें। हाँ। लेकिन मैं आपको मतलब सुबह 5 बजे करना जरूरी नहीं, आप सुबह 7 बजे भी योग कर सकते हैं, 8 बजे भी योग कर सकते हैं। सही बात है। हमारे पार्क में 10 बजे भी लोग घूमने आते हैं, अब जो नहीं है जल्दी आ सकते तो 10 बजे भी घूम जाते हैं, लेकिन घूमना चाहिए, पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, सेहत का फायदा जरूर होगा। बिल्कुल। चलते चलते बहुत छोटे छोटे संदेश हमारे दर्शकों के लिए योगा को लेके आप दोनों से। बिल्कुल, करे योग रहे निरोग। जो व्यक्ति रोज योग करेगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए रोज योग करना चाहिए। बहुत अच्छे। रवि जी एक छोटा सा संदेश। घर बनाते समय करोड़ों रुपए लगा देते हैं जिस घर में 7-8 घंटे दिन में रहना है और जिस शरीर में 24 घंटे रहना है, उसका ध्यान रखिए और योग करिए। चलिए जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगी कि आज हमारे कार्यक्रम से हमारे दर्शक बहुत मोटिवेट भी हुए होंगे और इसके साथ जो कुछ एक भ्रांतियां लेके वो लोग आज से योग नहीं शुरू कर पाए थे वो योग भी शुरू करेंगे और संपूर्ण भारत निरोग होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था आज योग दिवस पर खास मुलाकात। मैं उम्मीद करती हूं कि आपके मन में जो भी योग को लेके आम प्रश्न रहे होंगे उनका जवाब आज मैं यहां पर हमारे दोनों एक्सपर्ट से आपको दे चुकी होंगी। मैं जल्दी होंगी आपके बीच दोबारा, तब तक जय हिंद।